ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜੈਸੇ ਬੀਜ ਜਾ ਮਿਹੀ ਖੇਤ ਮੇ ਉਲਟੋ ਸੀਧੋ ਸੀਧ ਖੇਤ ਮੇ ਚਾਹੇ ਬੀਆ ਉਲਟਾ ਪੜੇ ਚਾਹੇ ਸੀਧਾ ਉਸਕੋ ਉਗਨਾ ਸੀਧਾ ਹੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਨੇ ਮਰਾ ਮਰਾ ਕਹਾ ਤੋ ਵੀ ਉਸਕੋ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਹੁਆ ਕਿਉਂ ਤੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ कि राम के प्रति अगाध प्यार ही ईश्वर के प्रति अगाध प्यार और भक्ति ही क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा जन्म जन्म मुनि जतन बैठे बैठे वो मैसर हो रहा है आप लोग बड़भागी हैं और आप लोगों के साथ मैं भी अपना सौभाग्य महसूस करता हूं कि आपके साथ राम नाम लेने का मुझको भी मौका लगा मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं आप लोग राम कथा का रसपान करें और एकदम राममय हो जाएं और जिससे आपकी अगली पीढ़ी में उछाल आवे क्योंकि मैंने लिखा है राजनीति की नहीं राजनीति की नहीं हमें तो लोकनीति की चिंता है अगले चुनाव से अधिक हमें अगली पीढ़ी की चिंता तो अगली पीढ़ी को आप हमारी माताएं बहने इस तरह से राम की कथा और संगीत में राम की कथा जब सुनेंगी उनके मस्तिष्क में अच्छी आएगी उनके संस्कार बेहतर होंगे और इससे अगली पीढ़ी का निर्माण होगा ईश्वर से मेरी यही कामना है कि यह रामलीला समिति सालों साल और निरंतर इसको परंपरा बना ले कि हर साल यह कथा चलती रहे हम लोगों को कभी मौका लगेगा तो आते भी रहेंगे कोई कठिनाई रहेगी नहीं भी आते रहेंगे लेकिन यह परंपरा चलती रहनी चाहिए और इस चलती हुई परंपरा का नाम ही सनातन धर्म है बस अपनी बात में खत्म करता हूँ वंदे मातरम और जनता जनार्दन जिंदाबाद दो चीजें वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम अब एक है नारा जो मैं खुद ही बोलूंगा क्योंकि आपके लिए जनता जनार्दन जिंदाबाद जनता जनार्दन जिंदाबाद जनता जनार्दन जिंदाबाद जनता जनार्दन इसलिए जिंदाबाद भगवान राम जो है भक्तों के हृदय में रहते हैं और जनता जनार्दन जिंदाबाद नहीं रहेगा तो उसका हृदय कहाँ रहेगा तो भगवान बेघर हो जाएगा इसलिए भगवान राम का घर न उड़े इसलिए आप लोग जिंदाबाद चल चल और बहुत धन्यवाद दुबे जी हमारे और हमारे बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए